आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है, मैं प्रियंका रावत। जैसे कि उत्तराखंड में चुनावी घमासान शुरू हो गया है, वहीं आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति धिमरी जी, जो कि रायपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। थैंक यू प्रियंका जी। इस बार आप रायपुर विधानसभा से लड़ रही हैं, तो आपने क्या क्या प्लान सोचे हैं और आप क्या कुछ नया करेंगे वहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए? प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी पार्टी न्याय धम्म सभा NDS पिछले 31 सालों से समाज में न्याय के लिए काम कर रही है, और इस समय हम लोग जो है राजनीतिक तौर पर भी आगे आ चुके हैं और चुनावों में हैं। हमारा मेन मुद्दा है न्यायशील महालोकतंत्र, जिसमें हम जनता को मंत्री, नेता और जज को चुनने का और उनको उनके पद से हटाने का अधिकार देने आए हैं। जैसा आप जानती हैं कि 12 वोटिंग पावर में से अभी जनता को केवल एक ही मताधिकार प्राप्त है, वोट देने का। हम जनता को 12 के 12 यानी कि द्वादश मताधिकार देने आए हैं कि नेता, मंत्री और जज को चुनने का अधिकार भी हो और उनको हटाने का अधिकार भी हो। इसके साथ ही शासन व्यवस्था में नियम, नीति और निर्णय, इनके द्वारा जो बनाए जाते हैं उनको पारित और खारिज करने का अधिकार भी जनता के पास आए, यानी कि जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई, जनता की सहमति पर वोटिंग के द्वारा उस बिल को पास किया जाए या खारिज कर दिया जाए। और दूसरा हम लेके आए हैं महा न्यायशील जनाधिकार, इसमें है शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण। जब आपके हाथ में महालोकतंत्र आ जाएगा तो जनता चारों जनाधिकार राजकोष से निशुल्क अपने लिए स्वयं ही सुलभ करवा लेगी। इसमें हमारा शिक्षा है, 25 वर्ष तक की शिक्षा, रोजगार, सुविधा और संरक्षण। तो हम इन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच में इस समय हैं, ताकि जनता अपने अधिकारों को जाने और कोई न्यायधम सभा से करवा ले या वो अदर किसी भी पार्टी से इन महालोकतंत्र और जनाधिकार को पास करवा ले। अगर कोई भी दल इनको महालोकतंत्र देने को तैयार है जनता को और न्यायशील जनाधिकार देने को तैयार है, तो हम आज भी ये बात कहते हैं कि न्यायधम सभा राजनीतिक तौर पर अपना नाम भी वापस ले लेगी। लेकिन बात यह है कि कोई भी दल जो है, आज तक हमने देखा है कि क्योंकि हमारे देव जी ने 111 जो न्याय प्रस्ताव बनाए हैं पिछले 10 सालों से सरकार को भेजे हैं, सरकार जो है केवल डिजिटल करेंसी, वोटिंग और ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा गवर्नमेंट ने भी किसी पर काम नहीं किया है। हम लोग कह रहे हैं कि आप जनता को महालोकतंत्र दे दीजिए, जनता के हाथ में सरकार दे दीजिए, जनता को ही सरकार बनाइए। क्योंकि हमारी जो लोकतंत्र की डेफिनेशन है कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, लेकिन ये लोकतंत्र जो है कम्प्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मतदान का अधिकार है, उसके बाद सारे अधिकार यहीं खत्म हो गए हैं नागरिकों के। तो अगर आप उनको महालोकतंत्र दे देते हैं, जनता की लोकतंत्र में 100% भागीदारी हो जाती है, तो वो आप एक महालोकतंत्र स्थापित होगा और जनता के जितने कष्ट हैं, जितने मतलब 74 वर्षों की आजादी के बाद भी जो आज गरीबी वहीं की वहीं है, आप देखती हैं कि कई बातें हमारे सामने आती हैं, तो वो सब दूर होगी। तो हम हर समस्या का समाधान लेकर के आए हैं। न्यायधम सभा हमेशा एक बात कहता है कि हम लोग समस्या पर डिस्कस नहीं करते, समस्या की चर्चा नहीं करते, हम समाधानों पर बात करते हैं। आपके साथ आप उनसे बेहतर है, आप जनता को कैसे समझाओगे? मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग महालोकतंत्र लेके आए हैं, जनता को हम यही बात समझा रहे हैं कि हम आपको सरकार बनाने आए हैं, मालिक बनाने आए हैं। और इस बात पर प्रियंका जी आप यकीन नहीं करेंगी, मैं अभी तक डोर टू डोर जो कैंपेन कर रही हूँ, सबसे अधिक समर्थन मुझे इस बात पर मिलता है कि नेता को हटाने का हम उनको अधिकार देने आए हैं। क्योंकि जनता के अंदर कहीं ना कहीं ये रोष है कि हम जिसको भी चुन के जाते हैं 5 साल के तक वो जो है मुड़ के कभी नहीं देखते, केवल वोटिंग चुनाव के दौरान ही वो लोग है हमारे मोहल्लों में आते हैं, हमारे घर घर आते हैं। तो इस बात से मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और मुझे पता है कि न्यायधम सभा के जो ये प्रस्ताव है, आज की डेट में कोई भी दल इनको पारित करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सीधे सीधे ये जो है जनता को सरकार बनाने के लिए आए हैं, जनता को पावर देने आए हैं, और कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा। तो इसलिए मैं मानती हूं कि न्यायधम सभा अदर पार्टियों से बेहतर है, और उसका मैं सोचती हूं कि किसी के साथ हम लोग कंपेयर भी नहीं करना चाहेंगे। अभी आप डोर टू डोर कर रहे हैं, काफ़ी समस्या देखने को मिल रही होगी, क्या क्या समस्या आप लोग आपको बता रहे हैं?
मेन समस्या जो है जनता के पास जब जाओ तो एक तो शिक्षा की प्रॉब्लम बताते हैं, क्योंकि शिक्षा हर घर तक नहीं पहुंच पा रही है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हाँ निशुल्क शिक्षा है, लेकिन वो निशुल्क शिक्षा तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप शिक्षा को समान नहीं कर देते। जब तक शिक्षा समान रूप से हर बच्चे तक नहीं पहुंचेगी, आबाद और अनिवार्य रूप से नहीं पहुंचेगी, तब तक वो समस्या दूर नहीं होगी। दूसरी समस्या जो सामने आती है, कई मैं कल भी जब डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी नेहरू ग्राम क्षेत्र में, तो वहीं कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारे बच्चे तो बेरोजगार है मैडम, आज तक जो है किसी ने हम लोगों को रोजगार प्रदान नहीं किया। तो एनडीएस यही रोजगार प्रति परिवार योग्यता अनुसार रोजगार प्रदान करने आई है, और इसके अलावा रोजगार बजट लेके आई है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है अपना अगर व्यवसाय या रोजगार शुरू करना चाहे तो 1 करोड़ तक का ऋण ले सकता है, और वो ऋण जो है टोटली निर्ब्याज होगा, जिससे जो है उसकी बेरोजगारी सदा के लिए दूर होगी, रोजगार स्थापित होगा और समाज की समस्याएं समाप्त होंगी। तो मेन तो मेरे सामने यही समस्या आती है शिक्षा और रोजगार को लेकर। दावे करते आप भी जनता को कह रहे होंगे, लेकिन आप उन पर अमल कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि प्रियंका जी हम लोग यहाँ वादे करने नहीं आए हैं। हमारे 111 जो न्याय प्रस्ताव हमारे गुरुदेव श्रद्धे श्री अरविंद अंकुर जी के द्वारा प्रतिपादित है, ये 111 न्याय प्रस्ताव, ये हमारा जो मैनोफेस्टो है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे एनडीएस 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए या 100 साल बाद आए, ये मैनोफेस्टो कभी चेंज नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। और इसीलिए हम जनता से कहते हैं कि हम जब भी आए, चुनाव में जब भी आएंगे, हमारी सिर्फ यही बातें रहेंगी, महालोकतंत्र, जनाधिकार और 111 न्याय प्रस्ताव। मैम अभी आपने रायपुर से नामांकन करा, तो आपको चुनाव चिन्ह मिला होगा, आप बताएंगे उसके बारे में कि वो कितना शुभ होगा आपके लिए? जी, हमारा चुनाव चिन्ह है डायमंड, और ये डायमंड जो हमारा चुनाव चिन्ह है, ये हम अपने लिए बहुत शुभ मानते हैं। इसलिए भी मानते हैं क्योंकि जैसे आप जानती हैं कि डायमंड की किसी के साथ भी तुलना नहीं हो सकती, डायमंड अपने आप में एक अमूल्य जो है रत्न है ना, तो इसी प्रकार हमारे 111 न्याय प्रस्ताव भी डायमंड की तरह है, अमूल्य है, उनकी हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और हम डायमंड लेके आए हैं, उत्तराखंड को डायमंड बनाने आए हैं, उत्तराखंड के हर नागरिक को डायमंड की तरह चमकाने आए हैं। ऐसे ही और शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, देखते रहिए उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ।